रांची जोन के आईजी पंकज कंबोज गुरुवार को लोहरदगा पहुंचे। लोहरदगा एसपी कार्यालय पहुंचने पर आईजी का लोहरदगा एसपी आर रामकुमार ने पारंपरिक रूप से बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परंपरागत रूप से स्वागत के बाद आईजी ने एसपी कार्यालय में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे लोहरदगा एसपी कार्यालय परिसर स्थित रिसेप्शन काउंटर में पहुंचे। वहां से डीएसपी मुख्यालय परमेश्वर प्रसाद के कार्यालय में पहुंचे। आवश्यक निरीक्षण के बाद आईजी ने एसपी अभियान दीपक पांडे के कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही एसपी कार्यालय परिसर स्थित रिकॉर्ड रूम और अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को लेकर तत्काल दूर करने का निर्देश दिया। आईजी ने एसपी कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। आईजी के कार्यक्रम को लेकर सभी थाना प्रभारियों को जरूरी निर्देश दिए गए थे। सभी को तैयार रहने को कहा गया था। आवश्यक डेटा और अन्य जानकारियों को संकलित करते हुए समीक्षा बैठक के लिए तैयार रहने को कहा गया था। आईजी कार्यक्रम को लेकर पिछले कुछ दिनों से पुलिस विभाग सक्रिय और सतर्क नजर आ रहा था। जो हम लोगों की सालाना प्रक्रिया है, उसके तहत पुलिस लाइन का और पुलिस ऑफिस यानी एसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन था। आज एसपी ऑफिस का इंस्पेक्शन किया गया है, पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन हम लोग दोबारा करेंगे दूसरी डेट। सर, लोहरदगा जिला बहुत सारे जो मामले हैं वो सब पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से ही नियंत्रित होते हैं, तो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ही ये सारी शाखाएं आती हैं। नक्सल शाखा भी उसी में आती है, अपराध शाखा भी उसी में आती है, बहुत सारी शाखाएं हैं, अभियोजन शाखा भी उसी में आती है। तो ओवरऑल हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। जहां तक नक्सल की बात है, नक्सल के लिए जो है पुलिस की तैयारी है। अभी आगे आने वाले समय में 2 से लेकर 8 तारीख तक जो है उसके लिए पुलिस ने स्पेशल रणनीति बनाई है, और यहाँ लगातार पुलिस ने जो नक्सली हैं उनको खदेड़ा है। और हम लोगों ने एक और चीज़ भी जो है एसपी साहब को निर्देश दिया है कि जितना भी लोग नक्सली कांडों में पिछले 5 साल में चार्जशीटेड है, जिनके ऊपर भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उन सब के ऊपर जो है निगरानी की कार्रवाई की जाएगी। निगरानी संचिका खुलती है, जिसे प्रति माह जो है थाना उनका जो है पता संधारित करता है कि वो कहाँ है, अभी वर्तमान में उनकी क्या गतिविधि है। यदि वो नक्सल गतिविधि में शामिल है तो उन पर दोबारा कार्रवाई की जाएगी, नहीं शामिल है तो उन पर निगरानी रखी जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।